असलम नाजरन अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानब से मैट्रिक के चौथे प्रोग्राम के साथ हाज़िर हैं इस प्रोग्राम में हम आपको आम महलोल और बर्क पेशीदों के महलूला में बरकी असालियत के दौरान होने वाली तब्दीलियों के बारे में बताएंगे। इसके अलावा तिजाब, असाज और नमकियात के बारे में भी तफसील से गुफ्तगू होगी तो आइए सबसे पहले ये मालूम करते हैं कि महलोल क्या है अक्सर चीज़ें दो या दो से ज़्यादा अशिया का अमेज़ा या मरकब होती हैं ये अमेजा अगर यकफेजी यानी होमोजिनस हो तो ये महलोल कहलाता है महलोल में जो जस ज़्यादा मकदार में हो वो महल यानी सॉल्वेंट कहलाता है और जो जस मुकबलाता कम मक़दार में हो उसे मुनहल यानी सॉल्यूट कहते हैं मिसाल के तौर पर पाँच ग्रैम चीनी अगर दस मिली पानी में डाली जाए तो इसमें चीनी मुनहिल और पानी महल होगा महलूलात मादा की तमाम हालतों में पाए जाते हैं यानी ठोस माया और गैस में लिहाजा इनकी नौ इकसाम हैं आइए इस चार्ट की मदद से इन इकसाम को देखते हैं महलूल की तबई हालत अगर गैस है तो गैस में गैस का महलूल और उसकी मिसाल हवा है गैस में माया का महलूल उसकी मिसाल हवा में पानी और भाप है जबकि गैस में ठोस का महलूल हो तो उसमें उसकी मिसाल धुआँ और हवा में मौलिक कार्बन के ज़रात होते हैं महलूल की तबी हालत अगर माया है तो इसका महलूल माया में गैस तो इसका महलूल माया में गैस और इसकी मिसाल पानी में कार्बन डाइऑक्साइड और कोक वगैरह माया में माया का महलूल और इसकी मिसाल दूध में पानी है माया में ठोस का महलूल इसकी मिसाल पानी में नमक का महलूल है महलूल की तबी हालत अगर ठोस है तो ठोस में गैस का महलूल होता है और इसकी मिसाल प्लेटियम में हाइड्रोजन गैस की मौजूदगी ठोस में माया का महलूल और इसकी मिसाल सोडियम में पारा ठोस में ठोस का महलूल हो तो उसकी मिसाल धातों के भर्त यानी पीतल और कांसी वग़ैरह होते हैं आइए अब ये देखते हैं कि महलूल कैसे बनता है ये तो आप जानते हैं कि नमक पानी में हल पजीर है लेकिन ये पेट्रोल में हल नहीं होता इसी तरह ग्रीस पेट्रोल में हल हो जाती है लेकिन पानी में नहीं होती मरकबात के एटमों के दरम्यान कशिशी कुवतें मौजूद होती हैं इन कुवतों को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो उनके आयंस अलग होना शुरू हो जाते हैं मिसाल के तौर पर खुर्दनी नमक के पानी में हल होने के अमल को समझते हैं ये तो आपको मालूम है कि पानी एक कुतबी महल है पानी के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन पर मस्बत पार और ऑक्सीजन पर मनफी बार मौजूद होता है इसी तरह सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस एक ख़ास तरकीब में पाए जाते हैं और इन आयंस के दरमियान बरकी कशिश भी मौजूद होती है जिसकी वजह से ये कायम रहते हैं जब सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला जाता है तो पानी की कुत इनकी बाहमी कशिश को कमज़ोर कर देता है जिसकी वजह से सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस की खास तरकीब टूटना शुरू हो जाती है और सोडियम क्लोराइड के ऑन्स को पानी के मॉलिक्यूल इस तरह घेर लेते हैं कि सोडियम ऑयंस को पानी के मनफी सिरे यानि ऑक्सीजन के मनफी सिरे और क्लोराइड ऑयंस को हाइड्रोजन के मस्बत सिरे घेर लेते हैं और इस तरह बहलूल बन जाता है अमले तहलील में दो किस्म की बाहमी कशिशें पाई जाती हैं पहली किस्म महिलल महिलल की बाहमी कशिश यानी सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन है और दूसरी किस्म महिलल और महिल की बाहमी कशिश यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरकशन है आइए पहले हम महिलल महिलल की बाहमी कशिश की वजाहत करते हैं मायात के मॉलिक्यूल्स में भी कशिश मौजूद होती है मा, चूँकि मायात के मॉलिक्यूल्स ठोस के मुकाबले में कदरे फ़ासले पर होते हैं इसलिए इनमें ठोस के मुकाबले में कम लेकिन गैस के मुकाबले में ज़्यादा कशिश होती है यही वजह है कि माया की अपनी कोई शकल नहीं होती और उन्हें जिस शक्ल के बर्तन में डाला जाता है वो वही शक्ल इख्तियार कर लेते हैं मुनहिल को जब महल में डाला जाता है तो मुनहल मोहलर के दरमियान मौजूद कशिश को कमज़ोर कर देती है और अपने ऑयंस के गर्द इस तरह इकट्ठा कर लेती है कि बहलूल बन जाता है अब हम मोहलर और मुनहिल के बाहमी कशिश के बारे में बात करते हैं यह तो आप जानते हैं कि मोहल्य और मुनहिल के अज्जा के दरमियान कशिश मौजूद होती है अगर मुनहिल के अज्जा के दरमियान कशिश महिल और मुनहिल के दरमियान कशिश से कमज़ोर हो तो महलूल बन जाता है और अगर ये कशिश ज़्यादा हो तो महलूल नहीं बन सकता मिसाल के तौर पर किसी आयनी या पोलर मुरकब को गैर-आयनी या गैर पोलर मुरकब में हल किया जाए तो महलूल नहीं बनता मिसाल के तौर पर अगर पेट्रोल को पानी में डाला जाए तो वो हल नहीं होगा नाज़रीन, आइए अब ये मालूम करते हैं कि बर्क पाशीदे और गैर बर्क पाशीदे क्या होते हैं और बिजली गुजरने के दौरान उनमें क्या तब्दीलियाँ वाक्य होती हैं बर्क पाशीदे ऐसे मरकबात हैं जिनके आबी महल या उनके पिघले हुए मादे में से जब बिजली गुजारी जाए तो वह अपने मसबत और मनफी आइंस में तकसीम हो जाते हैं ऐसे मरकबात जिनकी मुकम्मल तौर पर आइनी तहलील हो वो ताकतवर बर्क पाशीदे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं मसलन एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वग़ैरह और ऐसे मरकबात जिनके आबी महलूल में से बिजली गुजारी जाए तो उनकी जजवी आइनी तहलील हो वो कमज़ोर बर्क पाशीदे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं मसलन एसिटिक एसिड और ऐसे मरकबात जिनके आबी महलूल में से बिजली ना गुजर सके वो गैर बर्फ़ पाशीदे कहलाते हैं मिसाल के तौर पर शक्कर पेट्रोल और मट्टी का तेल आइए अब ये देखते हैं कि बर्फ़ पाशीदों के आबी महलूलत में से जब बिजली गुजारी जाए तो इनमें क्या अमल होता है इस अमल की वजाहत के लिए एक ऐसे सेल की मिसाल लेते हैं जिसमें दो तो बरकीरे लगे हुए हैं एक बरक़ीरा जिस पर मस्बत पार है वो एनोड कहलाता है और दूसरा बरकीरा जिस पर मनफी बार है वो कैथोड कहलाता है और इन बरकीरों को एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है जबकि इसमें सोडियम क्लोराइड का आबी महलूल बर्क पशीदा है जब इसमें से बिजली गुजारी जाती है तो इसमें दो तरह के अमल होते हैं एक अमले तकसी यानी ऑक्सीडेशन और इस अमल के दौरान इलेक्ट्रॉन्स खारिज होते हैं जबकि अमले तखफीफ कैथोड पर होता है और इस अमल में इलेक्ट्रॉन जज्ब होते हैं सोडियम क्लोराइड के आबी महलूल में सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस होते हैं जब इसमें से बिजली गुजारी जाती है तो सोडियम तो क्लोराइड आयंस एनोड की तरफ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर वो क्लोरीन गैस में तब्दील हो जाते हैं जबकि कैथोड पर सोडियम आयंस के बजाय पानी की तकफीफ़ होती है और उसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्सल ऑन्स बनते हैं इस अमल को इस मसावत से ज़ाहिर किया जा सकता है सोडियम क्लोराइड को जब पानी में हल किया जाता है तो ये सोडियम ऑयंस और क्लोराइड ऑयंस देता है एनोड पर अमल जब क्लोराइड ऑइंस एनोड पर जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ख़ारिज करके क्लोरीन गैस में तब्दील हो जाता है इसी तरह कैथोड पर पानी की तकफीफ़ होती है और वो इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्सल आयंस बनाते हैं मजमू तो अमल में क्लोराइड आयंस और पानी के मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो नतीजे में हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस और हाइड्रोक्सल आयंस बनते हैं आइए अब ये देखते हैं कि पानी में से जब बिजली गुजारी जाए तो क्या अमल होता है पानी चूँकि गैर मौसल है इसे मूसल बनाने के लिए तेज़ाब के चंद कतरे डाले जाते हैं और जब इसमें से बिजली गुजारी जाए तो इसमें ये अमल होते हैं जो कि इस मसावत से ज़ाहिर किए जाते हैं यानी पानी जब बिजली गुजारी जाए तो ये हाइड्रोजन ऑयंस और हाइड्रोक्सल ऑयंस में तब्दील होता है एन पर अमले तकसीद होता है यानी हाइड्रोक्सल ऑयंस एन ऑड की तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर ऑक्सीजन गैस और पानी बनाते हैं जबकि कैथोड पर अमले तखफीफ होगा हाइड्रोजन ऑयंस कैथोड की तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो जाएंगे नाज़रीन बर्क पाशदगी के चंद फवायद हैं जिनमें से कुछ ये हैं बर्क पाशीदगी धातों की तख्लीस करती है बर्क पाशीदगी से धातों की मलकारी की जाती है बर्क पाशीदगी से टाइप के हरूफ़ बहुत से मरकबात और ख़ालि सदवियात तैयार की जाती हैं नाज़रीन आइए अब एक और तस्वुर यानी मोरिटी की वजाहत करते हैं मलेरिटी मनहिल के मोल्स की वो मकदार है जो महिल के एक लीटर में हाल हो इसे कैपिटल एम से ज़ाहिर किया जाता है मोलैरिटी को ज़ाहिर करने के लिए यह फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है यानी मोलैरिटी बराबर है मुनहल के मोल्स की तादाद तकसीम महलूल का हजम लीटर में मिसाल के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के चार ग्राम अगर पानी में हल करके उनका एक लीटर महलूल बनाया जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी इशारिया एक होगी नाज़रीन, ये थी चंद बातें आम महलोलत और बर्क पशीदों के महलोलत में बरकी सालियत के दौरान होने वाली तब्दीलियों के बारे में आइए अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से यानी इस तजाब और नमकियात के बारे में चंद तस्वर की वजाहत करते हैं मुसलमान की मैदानों सबसे पहले तेजाब की निशानदही की इसके बाद ये मुशाह किया गया कि धाती ऑक्साइड सुरख लिटमस को नीला और गैर धाती ऑक्साइड नीले लिटमस को सुरख कर देते हैं इसके बाद स्वीडन के एक साइंसदानर्नीस ने अठारह में ये दर्याफ्त किया कि ऐसे मरकबाद जो आबी महलूल में हाइड्रोजनवाइंस थे वो तेजाब के लाते हैं मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जबकि इनके आयोनाइजेशन या रवानियत पजीरी को इस मसावत से ज़ाहिर किया जाता है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब पानी में हल किया जाए या इसका भी महलूल हो तो हाइड्रोजन आइन्स और क्लोराइड ऑइस में तब्दील होता है इसी तरह नाइट्रिक एसिड आबी महलूल में हाइड्रोजन आइन्स और नाइट्रिक नाइट्रेट ऑइंस में तब्दील होता है जबकि सलफिरिकसड आबी महलोल में हाइड्रोजन आइंस और सल्फेट ऑइंस में तब्दील हो जाता है और ये इन तमाम तजाब के अमल दो तरफ़ा होते हैं ऐसे मरकबाज जिनके आबी महलूल में कम मुकम्मल तौर पर आइनी तहलील हो वो ताकतवर तेजाब यानी स्ट्रांग एसिड्स कहलाते हैं मिसाल के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ऐसे तेजाब जिनके आबी महलूल में उनके मुकम्मल तौर पर आइनी तहलील ना हो यानी उनकी आयेनाइजेशन नामकमल हो वो कमज़ोर तेजाब यानी वीक एसिड्स कहलाते हैं मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड जैसा कि इस मसावत से जाहिर है एसीटिक एसिट में मौजूद चार हाइड्रोजन में से सिर्फ एक हाइड्रोजन ऑयन बनता है लॉरी और ब्रांसटेड ने 1923 में यह नज़रिया पेश किया कि ऐसी अशिया जो प्रोटॉन देने की सलाहियत रखती हों वो एसिड कहलाती हैं और ऐसी अशिया जो दे लेने की सलाहियत रखती हों वो असास असास्लती हैं मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोराइड ऑयंस असास के तौर पर अमल करते हैं यानी ये हाइड्रोजन ऑयंस के साथ मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं इसके बाद ये दरियाफ्त किया गया कि कुछ ऐसे मरकबात हैं जो आबी महलोल में अलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं और वो असास कहलाते हैं जबकि ऐसे मरकबात जो अलेक्ट्रोनी जोड़ा लेने की साहियत रखते हैं वो तेज़ कहलाते हैं मिसाल के तौर पर अमोनिया एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा देने की सलाहियत रखता है इसलिए ये लुइस बेस कहलाता है जबकि अलूमिनियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा लेने की सलाहियत रखता है और वो लुइस एसिड कहलाता है नाजरीन आइए अब तेज़ों की तबीय और कीमियाई खसूसियात के बारे में बात करते हैं तेज़ों का ज़ायका तुर्श होता है और तेज़ नीले लिटमस को सुर्ख कर देते हैं जबकि मीथाई लॉरेंज को ये सुरख कर देते हैं और तेजाब बिजली के मौसल होते हैं यानी इनके आबी महलूल में से बिजली गुज़र सकती है तेजाब इंसानी में गैस्ट्रिक जूस में इशारे दो से इशारा चार हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर मुश्तमिल होता है जो कि प्रोटीन वाली ग़ा को हज़म करने में मदद देता है इसके अलावा हाइड्रो क्लोरिक मैदे में जरासीम कुश के तौर पर भी इस्तेमाल होता है आइए आप तेज़ों की कीमियाई खसूसियात के बारे में बात करते हैं तेज़ के साथ मिलकर तब्दीली अमल करते हैं यानी नमक और पानी बनाते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड और पानी बनता है सोडियम क्लोराइड एक नमक है तेज़ कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स कार्बोनेट्स की तबील करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं इसकी मिसाल इस मसावात से जाहिर की जा सकती है यानी सोडियम कार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड आपस में कीमियाई तौर पर मिलते हैं तो सोडियम बाईसलफ़ेट कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं इसी तरह तेज़ाब कुछ धातों के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं यानी जिसको इस मसावाल से ज़ाहिर किया जा सकता है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कीमियाई तमल तो करते हैं तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है चांदी और सोने जैसी धातों से ताकतवर तेजाब भी अमल नहीं करता जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम तेजाब के साथ बहुत तेज़ी से अमल करते हैं लोहा और निकल का अमल तेज़ाब के साथ बहुत सुस्ती से होता है तेजाब धाती ऑक्साइड्स के साथ मिलकर नमकियात बनाते हैं जो इस मसावत से ज़ाहिर किया जाता है यानी फ़ेरिक ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कीमियाई तौर पर मिलता है तो फेरिक क्लोराइड और पानी बनता है यहाँ पर क्लोराइड नमक है तेज़ों के बारे में जानने के बाद आइए अब इसके बारे में मालूम करने की कोशिश करते हैं असास ऐसा मरकब है जो आबी महलोल में हाइड्रोक्सलोन मुहैया करें मिसाल के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एलोमिनम हाइड्रोक्साइड असास हैं आबी महलूल में असास की चंद खसूसियात हैं असास का जायका कड़वा होता है इन्हें छूने से फिसलन सी महसूस होती है और ये बरकी रॉ के मूसल होते हैं असास का आबी महलूल सुरख लिटमस को नीला कर देते हैं ट्रमेरिक पेपर को भूरा कर देते हैं और मिथाइल ऑरेंज को जद कर देते हैं इसी तरह फिनाफिल को गुलाबी कर देते हैं तेजाब की तादील करके नमकियात बनाते, असास चर्बी के साथ मिलकर साबन बनाते हैं नाजरेन तेज़ और असास के बारे में मालूम करने के बाद आइए अब नमकियात के बारे में बात करते हैं नमक ऐसा मरकब है जो तेज़ी हाइड्रोजन की मुकम्मल या नामकम्ल धाती बदल से बनता है असास और तेज़ के तबीली अमल में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सलोइन का मिलाप होता है जो कि इस मसावत से ज़ाहिर है यानी हाइड्रोजनस जब हाइड्रोक्सलोइंस के साथ मिलते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल बनता है और इसके साथ ही हरारत ख़ारिज होती है इसलिए इस अमल को हरारत सा यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं और ये हरारत तेरह इशारिया आठ किलो कैलरीज फीमोल होता है धमकियात बनाने के बहुत से तरीक़े हैं जिनमें से हम चंद एक का जिक्र करेंगे नमकियात धात और गैर धों के धातु और गैर धातों के कीमियाई मिलाप से बनता है यानी आयरन और सल्फ़र को जब हरारत दी जाती है तो आयरन सल्फ़ाइड बनता है जो कि एक नमक है इसके अलावा धातुओं धातु के कार्बोनेट्स और बाई कार्बोनेट्स जब तेजाब के साथ कीमियाई तमल तो करते हैं तो नमकियात हासिल होते हैं मिसाल के तौर पर सोडियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलता है तो सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं किसी नमक की इस तरह जुजवी तहलील कि उसके आयंस पानी के साथ मिलकर असास और तेजाब बनाएँ ये की या हाइड्रोलस कहलाती है मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड को जब पानी में हल किया जाता है तो ये सोडियम आयंस और क्लोराइड आयस में तब्दील हो जाते हैं आयनी तहलील के पेश नज़र और आपपाशद की को तीन मुख्तलिफ अकसाम में तकसीम किया गया है मिसाल के तौर पर कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड के आबी महलूल को अगर लिटमस पेपर के साथ जांचा जाए तो आप देखेंगे कि कॉपर सल्फेट नीले लिटमस को सुरख कर देता है जबकि सोडियम कार्बोनेट सर्ख लिटमस को नीला कर देता है और सोडियम क्लोराइड का आबी महलूल ना तो सुरख लिटमस पर असर करता है और ना ही नीले लिटमस को आइए इन नमकियात में इख्लाफ़ की वजह मालूम करते हैं पहली मिसाल यानी कॉपर सल्फेट में आप पाशीदगी के दौरान जो अमल हुआ है उसे इस मसवाद से जानने की कोशिश करते हैं यानी कॉपर सल्फेट जब पानी में हल किया गया तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड बने जैसा कि आपने देखा कि ये आबी महलूल कॉपर सल्फेट का आबी महलोलो तेज़ी खासियत रखता है और इसकी वजह महलूल में सलफ्यरिकसड का बनना है जो कि एक ताकतवर तेजाब है इसे जाहिर होता है कि हाइड्रोक्साइड आयन के मुकाबले में हाइड्रोजन ऑयस ज़्यादा मकदार में ख़ारिज हुए और यही वजह है कि कॉपर सल्फेट तेजाबी खासियत रखता है अब दूसरी मिसाल सोडियम कार्बोनेट को जब पानी में हल किया गया तो वो असासी खासियत जाहिर करता है इसकी वजह भी इस मसावत से समझने की कोशिश करते हैं यानी सोडियम कार्बोनेट को जब पानी में हल किया गया तो कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना इसकी तीसरी मिसाल यानी सोडियम क्लोराइड के आबी ब ने ना तो सुरख लिटमस पर असर दिखाया और ना ही नीले लिटमस पर इसकी वजह हाइड्रोजन ऑयंस और हाइड्रोक्सल ऑइंस की बराबर मौजूदगी है और इस वजह से ये अमल तदीली है नाजरीन अब आइए आखिर में एक और तस्वर की वजाहत करते हैं जिसे पी एच स्केल कहते हैं खालिस् पानी जज्वी तौर पर तहलील होकर हाइड्रोजन ऑयंस और हाइड्रोक्सल आइंस देते हैं जिसे इस मसावत से जाहिर किया जाता है यानी पानी की जब तहलील होती है तो ये हाइड्रोजन आयस और हाइड्रोक्सल में तकसीम हो जाता है किसी महलूल की तजावियत या असासीत को हाइड्रोजन आयंस की मकदार से जाहिर किया जाता है जिसे पी एच कहते हैं पी एच से मुराद हाइड्रोजन आइंस की ताकत है हाइड्रोजन ऑयंस की हाइड्रोजन ऑयस की मकदार को अगर 10 की ताकत वाले लॉब्रिथम की सूरत में जाहिर किया जाए तो यह पी कहलाती है पानी के तदीली महलोल की में हाइड्रोजन ऑयंस और हाइड्रोक्सल ऑयंस की एक जैसी मकदार होती है और उसकी पी एच एक ज़रब दस की ताकत मनफी सात होती है तेजाबी महलोल की पी एच हमेशा एक ज़रब दस की ताकत मनफी सात से ज़्यादा होती है जबकि असासी महलोल की पी एच हमेशा एक ज़रब दस की ताकत मनफी सात से कम होती है नाजरीन आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको आम महलोलत और बर्क पाशीदों के महलूलत में बरकी सालियत के दौरान होने वाली तब्दीलियों के बारे में बताया इसके अलावा हमने आपको असास तेज़ और नमकियात के बारे में भी बताया हमें उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम में आपको अपने दरसी मवाद को समझने में आसानी हुई होगी अब आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए खुदा हाफिज़